उसके बाद मैक्सिको को 49-23 से, और पूल विजेता था यानी पूल ए का पहले स्थान पर रहने वाला देश था भारत, पूल ए का टॉप। उसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया को पहले हाफ में 17-13 से आगे रहने के बाद 66-20 से एक बड़े अंतर से शिकस्त दी और सेमीफाइनल खेल रहे हैं। और यदि हम बात करें जापान की, तो पूल बी में दूसरे स्थान पर था जापान। इस पूल में थाईलैंड ने पहला स्थान हासिल किया था, तुर्कमेनिस्तान और कनाडा अन्य टीमें थीं। जापान ने एक मुकाबला खोया था और बाकी दो मुकाबले उन्होंने जीते थे, कनाडा को 29-8 से, और उसके बाद जापान की टीम ने तुर्कमेनिस्तान को 51-10 से पराजित किया था। और क्वार्टर फाइनल जैसा हम बता ही चुके हैं कि बांग्लादेश को उन्होंने पराजित किया था 17-15 से। टॉस इस मैच का जीता है जापान की कप्तान ने और वे शायद पहले रेड करेंगी। जापान की नंबर एक कप्तान अया आओकी, जो इस टूर्नामेंट में, इस चैंपियनशिप में बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी के रूप में सामने आई हैं और सबका ध्यान उन्होंने आकर्षित किया है अपने खेल से। और यह है भारतीय टीम, कप्तान दीपिका पुजारी, अनुभवी खिलाड़ी, एशियन गेम्स 2010 के स्वर्ण पदक विजेता, भारतीय टीम के सदस्य, 5 फीट 10 इंच की जिनकी हाइट है। उनके साथ है दीपिका, दूसरी अनुभवी खिलाड़ी, जो दोनों ही एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने जब स्वर्ण पदक जीता था इतिहास बनाया था भारतीय टीम ने, पहली बार कबड्डी शामिल हुई थी और स्वर्ण पदक भारत को मिला था। तो दोनों ही प्लेयर एशियन गेम्स में साथ में रह चुके हैं, कप्तान और उप कप्तान है इस चैंपियनशिप में। और नीलम, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो दर्शक यहाँ पर हैं, महिला दर्शक विशेष रूप से कबड्डी के मुकाबले को देखने प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं बड़ी संख्या में, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जितने दर्शक यहाँ मैच देखने के लिए आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खेलने में भी और देखने में भी, तो इसका असर कहीं ना कहीं कबड्डी आने वाले समय में कबड्डी की प्रगति पर जरूर पड़ेगा। जी हाँ, और यहाँ पर देखना है सेंटर लाइन टच की, और जिस तरह से हाव भाव दिखाए हैं जापान की नंबर 3 यूमी ने, और अंक इस सेमीफाइनल में पहला अंक 2 पॉइंट स्कोरबोर्ड पर, लेकिन 1 पॉइंट है अब स्कोरबोर्ड को वापस सेट किया गया, और 1 पॉइंट, और जहां अभिलाषा गई भारत की ओर से रेड करने और वे 1 पॉइंट लेकर आई हैं, तो स्थिति दोनों टीम की बराबर, भारत 1 जापान 1। पहली पहली रेड पर एक एक अंक दोनों टीम को मिला है। कप्तान आया आओकी, और अब भारत की ओर से कप्तान नीलम क्या कहेंगी एक कप्तान ने रेड की, तो उसके बाद दूसरी टीम की कप्तान भी रेड करने आई हैं। अपनी पहली रेड ममता डालते हुए ये साबित करेगी कि मैं किसी से कम नहीं हूं, और ये अपने अटैक की माहिर है, जो इसका एक अटैक है बोनस, और वो कर भी दिखाया उसने दामोदर जी, और एक बोनस के साथ ये अपने ग्राउंड में वापस लौटी है। तो ये आपके स्क्रीन पर अंपायर जहरा, जिन्होंने इशारा दिया 1 अंक का, तो भारत 3 जापान 1। यूमी सेमीफाइनल मैच का पहला अंक जिन्होंने हासिल किया था, और तत्काल टाइम आउट इस समय लिया है जापान की टीम के कोच सातो ने। तो जिस तरह की शुरुआत हुई है नीलम, क्या कहेंगी इस सेमीफाइनल बड़े मुकाबले की शुरुआत पर? बहुत अच्छा मैच रहेगा, बहुत अच्छा। अगर कहीं कमी रहेगी तो सिर्फ जापान की टीम में सिर्फ रेडर की कमी रहेगी, अदरवाइज अगर उनकी स्पीड को देखा जाए और कोऑर्डिनेशन को देखा जाए तो जापान इस समय बेहतर स्थिति में है, और अगर पूरा मैच अगर वो डिफेंसिव खेलते हैं दामोदर जी, तो ये सच है कि वो काफ़ी स्कोर भारतीय टीम के खिलाफ बना पाएंगे। और आपने जो बात की, तो मैं बता दूं कि कल जो उनकी नंबर 3 है यूमी, उन्होंने कुल 9 पॉइंट बनाए थे क्वार्टर फाइनल में रेड पर, कुल 9 पॉइंट मैच में बनाए थे,
तो काफी कुछ उन पर भी निर्भर करेगी जापान की टीम। और यहां एक आसान सा अंक कप्तान ममता पुजारी, सदर्न रेलवे में कार्यरत है ममता पुजारी। तो भारत 4 जापान 1। और यहां भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी कैचिंग सेंटर लाइन के पास। प्रियंका बहुत बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, ये लेफ्ट कवर हमेशा लगाती हैं, और जितने मैचों में देखा जाए पीछे से जितना प्लेयर स्पीड में भागता हमेशा ये उनको बैक जरूर मारती हैं। और इस समय रेड पर है अभिलाषा, और लंबे कद का फायदा अभिलाषा ने हासिल किया, एक अंक और भारत के लिए। रेलवेज में ही है अभिलाषा, 6-1 से भारत आगे। पहला हाफ, और अब बॉक लाइन पर भारतीय टीम। असाको शुरुआती दबाव जापान के ऊपर, स्लिप की कोशिश और बैलेंस बिगड़ा साइड लाइन के बाहर, तो रेडर आउट, एक अंक भारत को मिलेगा। 7-1, और एक लोना कप्तान ने वो अंक हासिल किया, तो मैच का पहला लोना भारत के खाते में, एक अंक हासिल किया। सबसे पहले कप्तान ममता ने आउट किया एक प्लेयर को जो कोर्ट में थी, और उसके बाद उसी के साथ जब लोना कंप्लीट हुआ तो 2 अंक भारत को मिले। तो ये स्कोर बोर्ड पहली महिला विश्व कप चैंपियनशिप कबड्डी चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत 10 जापान 1, पहला लोना भारत के लिए। नीलम बहुत आज जो गेम देखने को मिल रहा है काफी आत्मविश्वास से भरी हुई टीम है भारतीय टीम, और वो उस तरीके का आज मैच खेल रही है जिस तरीके का शायद उनको फाइनल में प्रदर्शन भी करना है। ममता सारे मैचों को छोड़कर आज काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई, जिस तरह का प्रदर्शन आज ये फाइनल मैच में भी करेंगी। जी हाँ, और यहाँ से सफर भारतीय टीम करेगी फाइनल तक का, जिस तरह की शुरुआत हुई है। ईरान की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और वो इंतजार कर रही है कि दूसरी टीम कौन सी उन्हें मिलती है जिसके खिलाफ वे फाइनल खेलेंगे। कप्तान आया आओकी, बहुत ही चुस्त खिलाड़ी, और देखना है, एक पॉइंट हासिल किया उन्होंने। स्वर्ण को उन्होंने आउट किया कप्तान ममता, और यह ताकत के साथ सेंटर लाइन पर एक बोनस, 2 प्लेयर को आउट किया, तो कुल मिलाकर 3 पॉइंट। और यही इस खेल का एक अलग अंदाज है, सारे के सारे दर्शक अपने स्थान पर खड़े हो गए थे पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। 3 पॉइंट लेकर आई कप्तान ममता पुजारी। ममता पुजारी बहुत आकर्षक तरीके का खेल ये करती है, जितने भी इनके जो अंक होते हैं वो बहुत आकर्षक हैं। अपना एक पैर बैलेंस बनाते हुए बॉकलाइन की तरफ, और दूसरा बिल्कुल बोनस के अंदर हाथ को पूरा खोलते हुए, अपने शरीर के हिसाब से कम 6 इंच वो हाथ को खोलती हैं, और बहुत जल्दी जमीन पकड़ने की कोशिश करती हैं, जिसका फायदा उनको हर अंक पे मिलता भी है। जी बिल्कुल, और हाइट का एडवांटेज, प्रियंका नेगी हिमाचल प्रदेश की यह खिलाड़ी भारतीय टीम में, और भारत ने कई नए खिलाड़ियों को इस विश्व चैंपियनशिप में मौका दिया है, एक तरह से नई टीम एशियन गेम्स के बाद यह तैयार हुई है। और यहाँ नंबर 2 पॉइंट लेकर गई, देखना कितने पॉइंट, 1 पॉइंट, स्वर्ण आउट हुई। तो काउ का जिन्होंने ये पॉइंट हासिल किया, 1 अंक जापान के लिए, 3-13, 10 पॉइंट की लीड भारत की। अभिलाषा बोनस की कोशिश में, और ये बोनस पॉइंट भारत के लिए, 14-3। आओकी, बोनस की कोशिश, देखना है
रेफरी का सिग्नल, बोनस अपनी रेड पर ये बोनस उन्होंने हासिल किया। तो 4-14 कप्तान ममता पुजारी, जैसे ही रेड करने आती हैं तो स्टेडियम में एक हलचल सी मच जाती है। इस पूरी चैंपियनशिप में हालांकि ज्यादा उन्होंने, और ये कोशिश होल्ड करने की लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। और देखना है रेफरी और अंपायर देख रहे हैं 3 पॉइंट। और आज एक स्टार खिलाड़ी की तरह खेलती हुई कप्तान ममता पुजारी, और ये अच्छा होल्ड भारतीय खिलाड़ियों का, तो लगातार पॉइंट अर्जित करती जा रही हैं। नीलम, जिस तरह से अब खेल चल रहा है, हर रेट पर पॉइंट आ रहा है और उसके बाद प्रेशर बढ़ा रहे हैं डिफेंस में भारतीय खिलाड़ी। हाँ, आज देखिए आप, ममता ने जिम्मेवारी रेड की संभाली है और प्रियंका जो कि लेफ्ट कवर लगा रही हैं, प्रियंका को डिफेंस का पूरा मौका दे रही हैं, क्योंकि उनका जापान की जो रेडर्स हैं सभी लेफ्ट साइड की है, और लेफ्ट साइड में जो भी रेडर अगर अंदर घुसता है तो बखूबी प्रियंका उसको निभाएगी। जी बिल्कुल, और इस समय भारतीय टीम निभा भी रही है, एक अच्छा तालमेल दोनों खिलाड़ियों के बीच, और एक और अच्छी पकड़ अपने कोर्ट में सुवर्णा द्वारा, उनके साथ दीपिका जोसफ अनुभवी खिलाड़ी, और एक लोना की तैयारी, और ये पोस्टर्स बैनर भारतीय तिरंगा लहराता हुआ, और 3 पॉइंट के साथ ये दूसरा लोना इस मैच में भारत का। पहला हाफ चलता हुआ, पहली महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप का दूसरा सेमीफाइनल, भारत 22 जापान 4। दो लोना भारतीय टीम ने पहले ही हाफ में अभी तक हासिल कर लिए हैं। सुवर्णा महाराष्ट्र, अभिलाषा हैं रेडर, और रेड पर अंक हासिल किया तो अपने हाथ उन्होंने हवा में उठाया इस बात की ओर इशारा करता हुआ कि मैंने एक खिलाड़ी को छू लिया है और एक पॉइंट अपने देश के लिए अर्जित कर लिया है इस मुकाबले में। युमी कनेको जापान के लिए, जो उनकी अच्छी रेडर्स में से एक हैं, कोशिश करती हुई, स्लिप की कोशिश बार बार, तेईस चार। प्रियंका और स्पीड लेफ्ट फ्लैंक से राइट फ्लैंक में जाने की, और एक पॉइंट लेकर आई प्रियंका अपनी टीम के लिए, तो भारत के स्कोर में एक अंक का और इजाफा, अब 24-4, 20 पॉइंट की लीड भारत की। और इस बार दीपिका, शायद तालमेल नहीं था और वे आउट, तो एक पॉइंट जापान के लिए। और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं भारतीय खिलाड़ियों को, और अच्छे तालमेल के साथ इस मुकाबले में वे खेल रही हैं, और एक बोनस, जबकि 6 खिलाड़ी कोर्ट पर थे और बोनस लाइन को क्रॉस करने में कामयाब रही भारतीय रेडर प्रियंका। 25-5 कप्तान आया, और यदि जापान के खेल को देखें नीलम, तो बहुत ज्यादा फुर्तीली खिलाड़ी हैं उनकी, जिस तरह से रेड करती हैं कप्तान, और ऐसा लगता है दोनों कप्तान ने डिसाइड कर रखा है कि यदि कप्तान रेड डालने आएंगी तो मैं भी रेड डालने आऊंगी। लेकिन ममता की रेड और जापानी रेड में काफ़ी अंतर है। मैंने मैच के शुरू में ही कहा था कि जापानी खिलाड़ियों में स्पीड है पर ताकत की कहीं ना कहीं कमी तो खलती है, और कबड्डी में ताकत होना और वजन होना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तकनीक है। जी हाँ, और ममता पुजारी 5 फीट 10 इंच जिनकी हाइट है, और उसका पूरा एडवांटेज वे लेती हैं।
लगातार स्लिप के साथ कोशिश विपक्षी खिलाड़ी को आउट करने की। नीलम यहां पर एक बात और भी देखने को मिल रही है कि लगातार कोई भी रेडर दो या तीन रेड नहीं कर रहा है, बारी बारी से एक तरह से मौका एक दूसरे को दे रहे हैं। और अभिलाषा को इस बार बहुत अच्छी तरह से एंकल होल्ड करने के साथ एक अंक हासिल किया जापान की टीम ने, तो जापान 6 इस अंक के साथ, और एक बोनस मिला भारत को, तो 27-6 समय स्कोर। इस तरह अभिलाषा का जिस तरह का जो स्कोर उन्होंने करने की कोशिश की, उनके उस पोजीशन से 3 स्कोर पहले ही आ चुके थे, तो इस तरह की हड़बड़ाहट इस स्थिति में अभिलाषा को शायद नहीं करनी चाहिए थी। आज रेड का पूरा दावेदार ममता और अभिलाषा संभाल रही हैं, जबकि पूरा डिफेंस आज प्रियंका संभाल रही है। और जिस तरह से अंक हासिल किया, ये कॉन्फिडेंस था, ये अनुभव था ममता पुजारी का। आसानी के साथ एक अंक, भारत 28 जापान 6, और पहला हाफ इस मुकाबले का। अपनी जो लीड है उसे और ज्यादा बढ़ा रही है भारतीय टीम, कुल मिला के 22 अंक से अब वे आगे हैं। थैंक यू दामोदर। नाउ 28-7 इज द स्कोर एंड ऑन रेड इंडियन प्रियंका नेगी सक्सीड टू टच द सेंटर लाइन एंड गॉट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, वेरी गुड मूव एट 3 पॉइंट्स एंड वन बोनस एंड 2 पॉइंट, इट 3 पॉइंट्स इन फ्रॉम दिस अटैक ऑफ नेगी, वेरी गुड अटैक, वेरी गुड प्लैंड अटैक। 31-7 स्कोर, ओनली 4 रिमेनिंग, 31-7। युमी ऑन द अटैक फ्रॉम जापान साइड, युमी इज द रेडर हु स्कोर्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस मैच। कॉन्फिडेंट वॉकिंग ऑन द सेंटर लाइन बैक एंड नाउ कप्तान ममता पुजारी ऑन हर लेग, शी इज द ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वॉचिंग द कबड्डी इवन ऑन टेलीविजन, वेरी कॉन्फिडेंट एथलेटिक built 5'10", great kabaddar, really great kabaddar, really great kabaddar. 2 and this 1 point and 32-7, Mamta Pujari never fails and this very good catch, tussle in the lobby, got one more point, 33-7. All players on the ground, their position to Lona. Now, 35-7. 33-7. And half time, at half time, score is 33-7. अंक बोनस का और एक भारत के लिए पॉइंट, तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट इस रेड पर। कुछ कंफ्यूजन नीलम बताएं कि जो डिसीजन हुआ है उस पर क्या बातचीत चल रही होगी? ये रेफरी साहब बीच में आए, इन्होंने दिया है रेडर आउट और ये लोना 1+2 3 पॉइंट इन फेवर ऑफ इंडिया, तो भारत को ये 3 पॉइंट मिले हैं, तो निर्णायकों ने ये सलाह करके रेडर आउट दिया है। और चूंकि रेडर कोर्ट से बाहर आ गए थे इसलिए ये अंक भारत को मिला। तो एक और लोना, दूसरे हाफ की शुरुआत,
कुल मिला के तीसरा लोना भारत के लिए। कप्तान आया आओकी, भारत 37 जापान 9। आज अपनी पूरी दमखम के साथ खेलती हुई भारतीय टीम इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। थैंक यू दामोदर, स्कोर इज 36-9 आफ्टर हाफ टाइम विद 3 वैल्यूएबल लोनास एंड गुड रेड सक्सेस रेड गॉट 1 पॉइंट फेल्ड अटैक एंड नाउ जापानी रेडर वॉकिंग लेफ्ट टू राइट फास्ट गुड स्पीड and back now on red Indian raider Priyanka Negi on your screen putting pressure on left and right flank equally left to right right to left very swift movement good swift movement they try the touch and got 1 point the score goes to 38-9 in favor of India and now Yumi of Japan and caught with a very planned good coverage good caught very Priyanka got a very good covering idea and implement that idea immediately now red Good planned kabaddi by Indian kabaddas. 39-9. Back in the ground and captain of Japan, Akai on red. A good raider, good kabaddar, and lot of points for her team in the competition. Trying for a touch and back. Ye decision one. There is a confusion in the decision. But I agreed. After all, umpire is umpire. Neelam. हाँ कहीं तक ये खेल ऐसा सच वाला भी है कि आपस में जितने भी खिलाड़ी हैं ये एक दूसरे को जानते हैं और उनकी कप्तान चेस नंबर 1 जो जापानीज खिलाड़ी है उसने मना भी किया कि इग्नोर किया इस बात को कि टच नहीं लगा लेकिन निर्णायक को की तीखी नज़र से शायद वो टच बच नहीं पाए और उन्होंने ये जापान के फेवर में ये पॉइंट दिया इट वॉज द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ जापानी कैप्टन बट Judgment is judgment. 39-10 score. Red of Priyanka Negi. Good stout body. Left and right. Trying to putting pressure on Japanese team. Priyanka. And going back. Now, captain. Captain of the Japanese team, Aya Akoi, on red. Past the back line, trying for a touch. Right, left and middle, and caught there with a very planned coverage, ankle hold, and then a good cover. Then a good cover, Neelam. प्रियंका इस चीज में कई बार माहिर है जहां उसका बॉडी बैलेंस खत्म होता है वो वहां पीछे हटने की बजाय रेडर के पैरों पर गिर जाती है और 60% वो उसमें सक्सेस भी होती है तो उस टेक्निक का ये एक भाग था कि प्रियंका के का बैलेंस थोड़ा सा डगमगाया और उसने हटने की बजाय दोनों पैर डबल नी होल्ड कर दिया जिसका फायदा भारतीय टीम को मिला अभिलाषा ऑन रेड यू हर्ड द technical expert Neelam and Abhilasha back on our ground and again captain of Japanese team Aya Akoi
on red. Trying for a point left to right and a half-hearted attempt. Half-hearted attempt by player. Now, Priyanka Negi on red. Priyanka Negi, then 40-10. And got very valuable point. Priyanka, two players out of Japan camp. Now score 42-10. 42-10. And disbalance there. Radar disbalance and ultimately caught. Very easy point. 43-10. And only one there. There. Fourth Lona is going to be in your skin. Fourth Lona. And got the point and Lona. Three. Two Lona, one point. Two plus one, that is three. And now score goal to 46-10. 46-10. 46 in favor of India and 10 for Japan. This second semi-final, India is inching towards the entry in the final of the competition, where it will clash with Iran. Second semi-final, score is 46-10. आपने करना? आपने करना? आप दो? देता हूँ। एक दो मिनट। And attack. अब जापानी लेडर. Caught there. In the lobby. Yumi out. Leader out. Leader out from India side. Nagalakshmi. Number two. His score goes to 41-11. Captain of the Japanese team, Aya Okui, on red. Left to right combination. Good radar, very good radar. Captain of the Japanese team. And now, led by 10 number of India, Kavita Devi, on red. Trying for a score, trying to enhance the score of India, 41-11. Number 10, Kavita Devi, walking on the center line, back. And here the attack of Japan. Very, 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 very swift. And out, Kavita Devi. Of India got 1 point. Score goes to 41-12 in favor of India. Indian leader on your screen, Abhilasha Mahatre. Tall, appealing for 1 point. Touch there is, and umpire not agree. Japan on lead. Good attack, right to left and middle. Yumi, a very good leader from Japan side. And I think there is a touch and 1 point in favor of Japan. Score goes to 13 and 41-13 and over two. और ममता पुजारी टीम की कप्तान जब भी दूसरे पाले में जाती हैं, उत्तेजना के स्वर बहुत ही तेज, और ये बात समझी भी जा सकती है कि इस मुकाबले में बतौर रेडर उन्होंने सबसे ज्यादा अंक भी अर्जित किए हैं। फिलहाल खाली लौटती हुई और अब टीम की कप्तान जापान की आया आयोकी, बिल्कुल बीचों बीच से उनका यह आक्रमण आमंत्रण देती हुई, और जापान के लिए कुछ अब विशेष नहीं बचा है इस मुकाबले में। और स्कोरबोर्ड
इसी की कहानी बयां कर रहा है। 13 के मुकाबले 47 अंकों से भारतीय टीम आगे इस मुकाबले में। एक अच्छा आक्रमण बाएं छोर से, मगर कोई लाभ नहीं। और अब प्रियंका, और बहुत ही अच्छे तरीके से, जब उनको लपकने की कोशिश जरूर की थी इस बार मायोको ने, लेकिन अपना मौका ताड़ा और सेंटर लाइन पर बहुत ही सहजता के साथ पहुंचकर अंक को बटोर लिया। भारत 48 जापान 13। बहुत ही अच्छी कैचिंग क्षमता का परिचय दिया इस बार खूबसूरती के साथ। प्रियंका ने बहुत अच्छे ढंग से कवर करने की कोशिश की थी और कवर करने के साथ ही कामयाबी मिली भिवानी की इस खिलाड़ी प्रियंका की, जो कि मस्कट में आयोजित एशियन बीच कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की सदस्य भी रह चुकी हैं। और इस बार कैचिंग क्षमता का बहुत ही अच्छा परिचय और भारत ने एक अंक गवाया। कृष्णा आउट होकर लौटती हुई जापान के लिए अंक, और उत्तेजना के स्वर बहुत ही तेज आक्रामक, एक अपील और एक अंक और जापान के पक्ष में। धीरे धीरे जापान अपनी स्थिति को बेहतर बनाते हुए, जापान 16 भारत 49। और अब रेड डालने की जिम्मेदारी अभिलाषा की, जिन्होंने कई मौकों पर अंक बटोरे, बहुत ही चपलता का परिचय देती हैं, बीच बीच में साइड किक करती हैं, खूबसूरती के साथ एक अंक बटोरा और सेंटर लाइन को पार करने के साथ ये एक अंक और भारत के खाते में। इस तरह से भारत दो खिलाड़ियों को उन्होंने छुआ था, तीन खिलाड़ी आउट हुई, अभिलाषा को मिले 3 अंक और अब केवल 4 खिलाड़ी बची हैं इस बार। ममता, लेकिन पीछे हटकर खतरा टाला, बाएं और दाएं से अच्छा आक्रमण था और यह अपील करती हुई कि उनका उन्होंने एड़ी छू ली है। और ये चलती कबड्डी के फलस्वरूप एक अंक बटोरने में सफल भारतीय खिलाड़ी, बहुत ही तारीफ की जाए। इसे कहते हैं चपलता का खेल, इसे कहते हैं चुस्ती फुर्ती का खेल। स्वर्णा ने इसी का फायदा उठाकर एक अंक बटोर लिया और इसके साथ ही खूबसूरती के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से स्वर्णा ने कैचिंग क्षमता का परिचय दिया। इसे कहते हैं ऑलराउंड गेम। पहले आप रेडर के तौर पर कामयाब हुई, उसके बाद आपने कैचिंग क्षमता का उतना ही परिचय दिया और टाइम आउट लिया गया। स्कोर 54-16, भारत 54 जापान 16। बहुत ही बढ़िया मुजाहरा, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का। और इस मैच की विजेता उसके बाद कविता देवी ने 2-3 मौकों पर अच्छी कैच पकड़ी, चपलता का बहुत अच्छा परिचय दिया और खासकर उनका जो एंकल ग्रिप थी वो काबिले तारीफ थी। बाकी खिलाड़ियों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिला। और वहीं प्रियंका ने एक मौके पर एक लंगी करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ कैचिंग क्षमता का परिचय दिया और लगातार भारतीय टीम इस मुकाबले में को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही। और अब से कुछ ही देर बाद भारत का मुकाबला होगा ईरान के साथ। बिल्कुल सही, खेल के हर क्षेत्र में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए और जैसे कि अपेक्षा की जा रही थी आसानी के साथ जापान को 20 के मुकाबले 59 अंकों से पराजित करके पहली महिला विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां से अब से कुछ ही देर बाद उसका मुकाबला ईरान के साथ होगा। ईरान ने एक शक्तिशाली टीम थाईलैंड को पहले सेमीफाइनल में पराजित किया था और देखिए कितना बड़ा अंतर है अंकों का, आप देख सकते हैं फाइनल स्कोर भारत 59 जापान 20। भारत ने जिस आक्रमकता और जिस तकनीक और कबड्डी की जिस कौशल का परिचय दिया, निश्चित रूप से जापान के खिलाड़ी उसका फायदा नहीं उठा सकी, उसके आगे कुछ नहीं कर सकी। हालांकि सेमीफाइनल में बांग्लादेश को पराजित किया था। कबड्डी चैंपियनशिप 2012 पटना का पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और इस स्वर्ण पदक के मुकाबले के लिए जो टीमें आमने सामने रहेंगी, ईरान और मेजबान भारत,
जिन्होंने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीते और फाइनल मुकाबला खेल रही हैं। इस चैंपियनशिप के स्टार्ट होने से एक इतिहास महिला कबड्डी ने अर्जित किया है, लिखा है, और उस इतिहास Ladies and gentlemen, the national anthem of India. Thank you, ladies and gentlemen. May I now introduce ऐतिहासिक स्वर्ण पदक के लिए होने वाले मुकाबले की शुरुआत होने वाली है और दर्शकों में बहुत ज्यादा उत्सुकता इस मुकाबले के प्रति, क्योंकि से थोड़ी देर पहले सेमीफाइनल मुकाबले दोनों टीमों ने जीते हैं और ये ज्यूरी के मेंबर जो इस फाइनल मैच को ऑफिशिएट करेंगे, मुनीर हुसैन बांग्लादेश से, मनियम मलेशिया, और तीसरे जूरी मेंबर होंग चैंग चाइनीज ताइपे से। इस मैच के रेफरी रहेंगे यून कोरिया से और जो दो अंपायर उनके साथ रहेंगे बांग्लादेश से अली असगर और थाईलैंड से नोरांग, जबकि स्कोरर इस मैच में रहेंगे श्रीलंका के बिमसारा और दो असिस्टेंट स्कोरर रहते हैं चैंग चाइनीज ताइपे के और संतिका इंडोनेशिया के। तो ये लोग इस महिला विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता कबड्डी चैंपियनशिप के पहले विश्व कप के फाइनल मुकाबले के ऑफिशियल्स हैं और इतिहास में इनका नाम भी आ रहा है और ये है वो टीम जिसने आज बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया सेमीफाइनल मुकाबले में। ईरान की टीम इस पूरे चैंपियनशिप में अपने खेल से प्रभावित किया उन्होंने। यहाँ उपस्थित जितने भी खेल प्रेमी हैं वे जापान के साथ साथ जो ईरान की टीम पहुंची थी सेमीफाइनल में, और यह है वो खिलाड़ी जिस पर नजर रहेगी गजल, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन इस पूरी चैंपियनशिप में किया है। एक बहुत ही जुझारू खिलाड़ी, शानदार रेडर और पूरी की पूरी टीम एक कॉम्पैक्ट टीम जिसे हम कह सकते हैं। ईरान कोच और मैनेजर जहरा जो कि टीम की मैनेजर हैं और इस फाइनल मुकाबले में जो टीम भारत की खेल रही है, दो खिलाड़ी ऐसी हैं जो एशियन गेम्स में खेल रहे हैं, कप्तान ममता पुजारी जिन्होंने आखिरी जो डिसीजन हुआ 5-5 रेड का उसमें भारत ने एक अंक आगे रहते हुए 23-22 से जीत हासिल की थी और फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया था। तो शायद उस मुकाबले के बाद अब दोनों टीमें आमने सामने हैं इस पहली महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में। निर्णायक इस मैच को जो ऑफिशिएट करेंगे, टॉस की प्रक्रिया
यू हैं कोरिया के, भारत की ओर से ममता पुजारी और वहां जफरी, और टॉस जीता है ममता पुजारी ने और ग्राउंड उन्होंने चूज किया है, यानी वे पहले रेड करने का उन्होंने मौका दिया है ईरान की टीम को। तो पहली महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और ईरान के बीच। नाउ यू आर वाचिंग फर्स्ट वर्ल्ड कप वुमेन फाइनल, ईरान एंड इंडिया इन व्हाइट जर्सी, व्हाइट शॉर्ट इंडिया एंड इन रेड सूट क्लैड होल बॉडी फर्स्ट रेड ऑफ ईरान गजला ऑन द रेड फ्रॉम ईरान साइड। गजल एक वन किक, फ्लाइंग किक एंड ए बोनस ने इशारा कर दिया था। बोनस टू ईरान, वन पॉइंट अपीलिंग फॉर वन पॉइंट, वन टच एंड वन वन, वन वन फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट रेड। नाउ सेकेंड रेड एंड कॉट देयर, बट लेट अस सी द सिचुएशन, व्हाट इज द डिसीजन ऑफ got there and got one point India and red of captain Mamata Pujari, very favorite of public and a well built athletic body, commander of India, a proud for India Mamata Pujari back. स्कोरबोर्ड नहीं दिखेगा हमें, स्कोर स्कोर टू वन, स्कोर इज टू वन इन फेवर ऑफ इंडिया। गुड, वेरी गुड रेड बाय गजल एंड अपील सैंक्शन, स्कोर इज टू टू। वेरी टफ फाइट, वेरी क्रूशियल मैच इंडिया एंड ईरान फाइनल ऑन रेड, इंडियाज रेडर अभिलाषा एंड अभिलाषा वॉज अपीलिंग फॉर ए टच, आउट रेडर आउट एंड नाउ गजल फ्रॉम ईरान, स्कोर इज टू टू थ्री, टू इंडिया थ्री ईरान। वेरी टफ फाइट, बोथ टीम्स आर वेल एक्सपीरियंस, नोज द गेम ऑफ ईच अदर, ऑलरेडी क्लैश सेवरल टाइम्स इन द इंटरनेशनल कबड्डी एरिना एंड नाउ ममता पुजारी ऑन रेड, टच एंड a point in favor of Mamata Pujari, score goes to 3-3. When she entered in the opposition camp, she always score a point. Mamata Pujari is a very good commander of India, captain of the Indian team, and a flying kick, good flying kick by and caught there with a good cover, leg ankle technique and a good cover by Indian defenders and a very good catch. Score goes to 4-3. Now Mamata Pujari on red, the captain, the prominent leader from Indian side,
ममता पुजारी कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम एंड वेरी गुड टच एंड गॉट अ पॉइंट द स्कोर गोल टू 5-3 एंड अगेन लीडर फ्रॉम ईरान trying to enter in the on the bonus line and here this is the chase fast chase Indian player and now it from Iran very fast kabaddi between the both teams one is the gold medalist of the Asian Games of Jeonju and Iran is the bronze medalist of the Asian Games Jeonju. There in Jeonju was the clash between India and Iran in semi-final and it was a very tough semi-final 22-21 India won that semi-final in the Jeonju in 2011 Asian Games and now inching towards the World Cup. Mamta Pujari again on the raid. She is the main and a prominent raider. Always convert her raid into points. Still in the camp. And as I said already, always convert her raid into the point. And now a timeout. Time out taken by the coach. Score goes to 6-3. Score goes to 6-3 in favor of. India. Very tough match. The final of the first World Cup women being played at the Pataliputra Sport Complex, Patna, Bihar. And there is a confusion. Raider out. Point goes in favor of India. 7-3. Mamta Pujari, very confident. Got two and Lona. Mamta out. Score is 7-4. Immediate reply. Score 8-4. Immediate reply by Indian camp. Mamta is again on the ground. And there is some injury. The Irani competitor. Medical aid is there by that timeout. Injury time. And she is fit for play. And now Mamta, captain of the Indian team, 5'10" height. Good athletic body. On late. From Indian side. Catching is there. Badly clinched. It is a complete clinch by Irani. Complete clinch. And Mamta lose the point. Score goes to 8-5 in favor of India. Again, a raid by raid from Iran. Neelam. पता नहीं क्या वहां बैठ गई. Now, India on raid. Abhilasha Mahatra on raid. Kick and come back. Beautiful roll. Got one point. A beautifully earned point. 9-6.
9-6 in favor of India. Good game here in the Pataliputra Sports Complex. And mic for further commentary in Hindi. बहुत ही रोमांचक संघर्ष चल रहा है फाइनल मुकाबले में और इस बार गजल खूबसूरती के साथ उनकी अपील, लेकिन उस अपील का कोई लाभ नहीं और उसका विरोध करने के फलस्वरूप उन्हें मिला ग्रीन कार्ड। गजल ऐसा लग रहा है कि जो गजल है उनकी एक तेज तर्रार राइडर, उनका भारतीय टीम के साथ मुकाबला चल रहा है। जापान के खिलाफ वो स्टार साबित हुई थी और यहाँ इस मुकाबले में लगातार अंक बटोरती हुई। प्रियंका रे डालती हुई बड़ी धीमे धीमे कदमों से वापस, गजल एक बार फिर से तैयार जो फ्लाइंग किक के लिए जानी जाती हैं और इस बार खूबसूरती के साथ उन्होंने पैर को सरकाया था और स्वीप टच किया, लेकिन कोई लाभ नहीं क्योंकि फुटवर्क उनका गड़बड़ाया था। ममता टीम की कप्तान रेड डालती हुई जो पिछले दो प्रयासों में पकड़ी गई हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार हुई हैं ममता पुजारी, लेकिन यहां ओवर कॉन्फिडेंस से उन्हें बचना होगा क्योंकि पावर गेम खेल रहा है इस वक्त ईरान और उसे ग्वांगजू एशियाई खेलों में अपनी हार का बदला लेना है जहां बहुत ही रोमांचक संघर्ष हुआ था, 5-5 रेड डली थी और वहां भारतीय टीम महज एक अंक से जीत दर्ज कर पाई थी और भारत को मिला था स्वर्ण। और इसके साथ ही एक खिलाड़ी को छुआ ममता ने और अपील, लेकिन वो खिलाड़ी तैयार नहीं थी इस बात के लिए और ये रेफरी का इशारा, भारतीय टीम को एक अंक और। ममता जब भी जाती हैं विदेशी अपोनेंट खेमे में कुछ ना कुछ खलबली जरूर मचाती हैं। गजल तैयार दाएं छोर से बहुत ही चुस्ती फुर्ती, या ये कहिए कि ईरान टीम की बेस्ट राइडर, और इस बार उनको गिराने में कामयाब रही, लेकिन उससे पहले सेंटर लाइन को छू गई थी भारतीय खिलाड़ी प्रियंका दीवानी की खिलाड़ी, जिसके फलस्वरूप प्रियंका को बाहर बैठना होगा। और अब अभिलाषा भारतीय टीम की तेज तरार ऊंची कद काठी देखने अपनी रीच का अपनी पहुंच का कितना फायदा उठा पाती है, उसका खतरनाक हो सकता है, लेकिन बीच में सेंटर में से उन्होंने किया बहुत ही खूबसूरती के साथ और बीच में से निकली और सेंटर लाइन तक पहुंची, लेकिन यहां मंत्रणा और बाहर किया गया गजल को, गजल के व्यवहार के लिए भी, और दो अंक मिले भारतीय टीम को। इस तरह से मैच बहुत ही रोमांचक दौर में 12 अंक हो गए हैं भारतीय टीम के और ईरान के हैं 7 अंक, 8 अंक, 12-8। और इस बार घुसकर आक्रमण करने की कोशिश रामनारी सोंगजेन, क्षमा कीजिएगा ये खिलाड़ी है जोरे तोरातेन, अपना संतुलन खो बैठी थी सेंटर लाइन पर और उन्हें बाहर किया गया और इसके साथ ही भारतीय टीम को लोना के फलस्वरूप 2 अंक भारतीय टीम को मिले। व्यवहार बहुत ही खराब जहां तक ईरानी खिलाड़ियों का सवाल है और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि बहुत ही कांटे का ये मुकाबला है और 2 अंक लोना के फलस्वरूप भारत को मिले और ये 15-9 से भारतीय टीम इस मुकाबले में आगे, 6 अंकों से भारतीय टीम बढ़त बनाए हुए। यहाँ तारीफ करनी होगी खासकर कविता की जिन्होंने बहुत ही अच्छी पकड़ क्षमता का परिचय दिया। एक मौके पर उन्होंने गजल को पकड़ा था जो कि उनकी सबसे तेज तरार खिलाड़ी है और दूसरे मौके पर उन्होंने एंकल होल्ड किया था और एक अन्य प्रयास पर उन्होंने जो धक्का दिया था दूसरे खिलाड़ी को अपोनेंट खिलाड़ी को वो भी काफ़ी कारगर साबित हुआ। और इस वक्त अभिलाषा बाएं छोर से नजरों ही नजरों में और ये फ्लाइंग किक की उन्होंने और देखना है बोनस लाइन को उन्होंने छुआ अथवा नहीं और उनके सेंटर लाइन पर पहुंचने के बाद इसकी उद्घोषणा होगी रेफरी द्वारा, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। और एक बार फिर से गजल टीम की सबसे खतरनाक खिलाड़ी ईरान की बाएं छोर से साइड किक दूसरे प्रयास पर बीच में आक्रमण करने की कोशिश, लेकिन बाल बाल बची थी इस बार 12 नंबर की जर्सी पहने हुए प्रियंका और इस बार दाहिने छोर पर उन्होंने आक्रमण किया घेरते हुए घुसकर आक्रमण करती हैं गजल और इस बार
एक मौका था सुवर्णा के लिए, सुवर्णा ने अतिरिक्त जोखिम उठाना मुनासिब नहीं समझा और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि टीम की सबसे खतरनाक खिलाड़ी और अब टीम की कप्तान ममता पुजारी के रेड डालने के साथ ही दर्शकों में उत्तेजना कुछ ना कुछ करके आती हैं। अक्सर जापान के खिलाफ सबसे ज्यादा उन्होंने अंक बटोरे थे सेमीफाइनल में और इस बार अपील की उन्होंने कि उनका हाथ टच हुआ है लेकिन रेफरी ने उस अपील को खारिज कर दिया। चलती कबड्डी का परिचय दिया इस बार ममता पुजारी ने, टीम की कप्तान, टीम की सबसे तेज तरार खिलाड़ी गजल, और इस बार खूबसूरती के साथ उनको लपकने में तैयार घेरेबंदी भारतीय टीम की बहुत ही अच्छी, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। 6 नंबर की जर्सी पहने हुए ममता पुजारी ने बहुत ही अच्छा साथ दिया था इस बार और ना सिर्फ अच्छी पकड़ क्षमता का उन्होंने परिचय दिया बल्कि अब रेट डालने की जिम्मेदारी ममता पुजारी की। बाएं छोर से आक्रमण और बिल्कुल बीचों बीच एक तरह से आमंत्रण देती हैं विपक्षी टीम को, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये ताकत का परिचय देती हैं। और इस बार एंकल होल्ड खूबसूरती के साथ और भारतीय टीम ने अंक गवाया। ममता पुजारी का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही महंगा साबित हो रहा है इस मुकाबले में। तीसरी बार पकड़ी गई है विपक्षी टीम में ममता पुजारी। 17-11 से आगे भारतीय टीम इस मुकाबले में। यार भाई थोड़ा आगे पीछे हो जाओ यार, भैया इधर से टेलीकास्ट लाइव चल रहा है यार। और अब रेड डालने की जिम्मेदारी टीम की कप्तान सैदिक आई है बहुत देर के बाद रेड डालने के लिए। बाएं छोर से उनका यह आक्रमण, छकाने की कोशिश, बोनस अंक जुटाने के लिए जो उन्होंने पांव को आगे बढ़ाया था उसका कोई लाभ नहीं और वहीं अपना मौका ताड़ने की कोशिश में थी सुवर्णा, लेकिन कोई अतिरिक्त जोखिम उठाना भारतीय खिलाड़ियों ने उचित नहीं समझा। प्रियंका नेगी हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ी इस मुकाबले में पहली बार रेड डालती हुई और ये देखना है कि बोनस पॉइंट मिलते हैं या अपोनेंट को उन्होंने छुआ है और ये बोनस अंक से संतुष्ट होना पड़ा और एक अंक प्रियंका नेगी के जरिए भारतीय टीम को और स्कोर हुआ है 18-11, भारत 18 ईरान 11। गजल बाएं छोर से आक्रमण और इस बार फ्लाइंग करने की कोशिश, उसी में अपना मौका ताड़ा भारतीय खिलाड़ियों ने, उनको लपक लिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। कविता देवी ने अच्छी पकड़ क्षमता का परिचय दिया, बाकी टीम की घेरेबंदी बहुत ही काबिले तारीफ और भारत इस मुकाबले में हो गया है 19-11 से आगे। और ये हाफ टाइम तक भारत 19 और ईरान 11, बहुत ही रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में। निश्चित तौर पर जो ममता पुजारी का, टीम की कप्तान का जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दिया था अपोनेंट पाले में वो थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा था, हालांकि उससे पहले वो एक एक अंक जुटा रही थी, लेकिन कविता ने बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ क्षमता का परिचय दिया और उसके साथ ही सुवर्णा अभिलाषा से अच्छा उन्हें सहयोग मिला जिसके फलस्वरूप भारतीय टीम इस मुकाबले में 11 के मुकाबले 19 अंकों से आगे। और नीलम ये मानना होगा कि भारतीय टीम अपने बुलंद इरादों से खेल रही है लेकिन कुछ सतर्कता बरतनी होगी, खासकर दूसरे हाफ में ममता पुजारी को कई बार ऐसा लगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रही हैं और उसी की वजह से उन्होंने 3 अंक भी गंवाए हैं विपक्षी पाले में जाकर। बिल्कुल ईरान की खिलाड़ी जो है बिल्कुल लोअर पोर्शन का बहुत अच्छा गेम का प्रदर्शन कर रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ममता ने इसे इस चीज़ को क्यों नहीं कैच किया। बाकी जितने भी मैच ईरान ने खेले हैं उन्होंने, बाकी टीम जितने के साथ उनके मैच हुए थे उन्होंने लोअर पोर्शन की बहुत सारी कैच की है, तो इस तरीके से उनको अपने लोअर पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और हाथ से अपनी बॉडी को सेंट्रल लाइन की तरफ ज़्यादा रखना चाहिए, अपना पूरा बैलेंस ममता जी को सेंट्रल लाइन की तरफ रखना चाहिए जिसका बेनिफिट उनको मिलेगा। नीलम एक सवाल मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि दीपिका हेनरी जोसफ जो कि ग्वांगजू एशियाई खेलों में भी भारतीय टीम की सदस्य थी, बहुत उम्दा उनका प्रदर्शन रहा इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन यहां कविता को वो पूरा मौका दे रही है पकड़ का, जितनी पकड़ जो उनको फाइनल में दिखानी चाहिए, जो उनसे उम्मीदें हैं उस पर लगता है कि अभी तक वो कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई हैं।
जितने भी ईरान के जितने भी खिलाड़ी हैं वो लेफ्ट साइड के हैं, और लेफ्ट साइड का कवर जो है वो प्रियंका जो भिवानी की लड़की है वो लगा रही है। तो जितनी तरफ से जैसे गजल है वो बहुत अच्छा लेफ्ट साइड में घुसती है, तो प्रियंका उसको बहुत अच्छा कवर लगा रही है और उसने दो कवर लगाए भी हैं उसके लिए। जब दीपिका की बारी इधर की तरफ से आएगी तो 100% दीपिका अपना कवर उठाएगी। नीलम, जो उनकी सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, अगर हम ईरान टीम की बात करें, गजल, कई बार तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम का मुकाबला गजल के साथ चल रहा है और वो रेडर की भूमिका में लगातार कामयाब हो रही हैं। जापान के खिलाफ पूरी तरह से वन साइडेड था मुकाबला, उन्होंने मुकाबले को पूरी तरह से वन साइडेड बनाया, और भारत के खिलाफ भी उनके जो मंसूबे हैं, कई अपने मंसूबों को उन्होंने कारगर भी किया है। क्या करना होगा उनको रोकने के लिए भारतीय टीम को? भारतीय टीम के लिए ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, मुझे लगता है ममता पुजारी ने जो इंस्ट्रक्शंस कविता को दी है कि हम बाद में आएंगे, वो एक टाइम में हम कोशिश करेंगे गजल को ज़्यादा पॉइंट ना दें, जिसको कहते हैं कबड्डी की भाषा में कि बोगी ना देना, तो वो उसका बेहतर प्रदर्शन कविता कर रही है। सबसे पहले कविता बहुत अच्छी ट्रंक होल्ड बनाई है उन्होंने और वो होल्ड उसकी बनती भी है, उसके बाद बाकी टीम उसको सपोर्ट कर रही है। पिछले मुकाबलों में ऐसा देखा गया है कि अभिलाषा जो है वो बहुत ही टीम की खतरनाक खिलाड़ी साबित हुई है, खासकर रेडर की भूमिका में, उनका फाइनल में उतना इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, क्या लगते हैं आपको कि क्या फिट? प्रियंका नेगी बहुत ही अच्छी रेडर हैं और आते ही उन्होंने एक अंक प्राप्त किया। दो खिलाड़ी इस समय बाहर है। ईरान की तरफ से आक्रमण, और अब तक जो 15 मिनट का खेल शुरू हुआ है, का जो खेल हुआ है उसमें पूरी तरह से हावी रही है निश्चित रूप से भारत की टीम। नाउ स्कोर इज 20-11, स्कोर इज 20-11, 20 इंडिया, 11 ईरान। नाउ लेड बाय ईरानी लीडर, Patliputra Sports Complex and led by Mamata Pujari, captain of the Indian team. Whenever she come for attack, she earned the point. But in overconfidence, she was caught 2 or 3 times in the first half. Now back. And Ghazala of Iran on attack. Score is it still 20-11. 20-11 in favor of India. Difference of 9 points. Now, Ghazala is still in the court of India. Indian players are trying for a strategy. Still good stamina. Now, Kavita Negi. Priyanka Negi. Maaf kijiye. Priyanka Negi on attack. Left to right, shifting, high technique, very soon, putting pressure on left flank and then right flank, and still in the court of Iran, and strategy successful, and got 1 point, 21-11, good strategy. And got 1 point with great patience, presence of mind, using her presence of mind. And now, good flying kick, very good flying kick, very good radar of Iran. Coming. And now, Indian radar. On your screen, Abhilasha Mahatre for her raid.
cross the bonus line, but there are only four players from Iran. Abhilasha Mahatre back on, and now very good leader of Iran. He's shifting very fast left to right and dodging ability, with good dodging ability, good sweep touch, good sweep. Again she will try for a sweep or kick at this place, and back safe. Four players remaining in the field of Iran. Indian lead, captain Mamta Pujari, the lead. She is the favorite competitor of all spectators are here and outside this hall. There is a big screen outside this hall to enjoy this kabaddi for rest of public who could not enter in the hall. Good, very good touch. And 1.22, 11, double. 11 into 2, 22. 22, 11. Ghazal, but failed. No support was there for Indian catcher. Indian catcher did her best, but there was no support, and it was a least technique, and ultimately losing a point. And 22-12 in favor of India. 22-12, and now referee. There is an injury. Neelam, your comments. अभी ये के ईरान की खिलाड़ी पांच नंबर जो अभी शायद इंजर्ड है, कविता भारतीय टीम के खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर जो है, उन्होंने उसके एंकल पे डाई मारी थी, तो शायद मुझे लगता है उनका एंकल में स्प्रेन है थोड़ा सा. बाकी मैचों में भी देखने में आया था कि वो उतना अच्छा नहीं खेल पा रही थी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी. तो यदि हम दूसरे हाफ की बात करें, पहला हाफ 19-11 से भारत आगे था, और दूसरे हाफ में जो खेल चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? इस समय मुझे लगता है भारतीय खिलाड़ियों को हड़बड़ाहट करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ये इसका प्रदर्शन आप अगर अभिलाषा की रेड को देख रहे हैं कंटिन्यू, तो देखिए शायद कोई ज़रूरत नहीं है. और ये ज़बरदस्ती की कैच ईरान की लड़कियों ने बनाई है, और वो इस तरह का प्रदर्शन लगातार करती भी रहेंगी. जी हाँ, और एक अंक और ईरान के लिए. तो गजल वापस कोर्ट पर सर्विस रेड के लिए. 12 पॉइंट बनाए थे उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी 16 रेड में, और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 8 पॉइंट बनाए थे. 5 फुट 5 इंच हाइट, 61 किलो वजन, और इस चैंपियनशिप में उन्होंने दिखा दिया है कि कबड्डी को वे कितना आत्मसात कर चुकी हैं. ममता पुजारी भारतीय कप्तान. स्कोर है भारत 22 ईरान 13. एक कंफर्टेबल लीड कह सकते हैं इस समय. भारतीय स्कोर और ईरानी स्कोर को देखें. अनुभवी खिलाड़ी ममता 69 किलो वजन है ममता पुजारी का, और सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक टीम की. और एक सेफ रेड जिस पर कोई अंक हासिल नहीं हुआ. जफरी टीम की दूसरी अच्छी रेडर ईरान की, बहुत ही फुर्तीली हैं. पांच फीट दो इंच 19 वर्षीय खिलाड़ी, और कोशिश फ्लैंक चेंज करके एक अंक हासिल करने की, लेकिन पिछली दो रेट पर कोई अंक नहीं. और अब इस फाइनल मुकाबले में पहली बार रेट पर गई हैं दीपिका हेनरी जोसेफ. एशियन गेम्स 2010 ग्वांगजाऊ में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य. ये
और बहुत ही फुर्तीली गजल। और ये देखें आप, दो किक उन्होंने ट्राई की और एक खलबली सी मजा देती हैं जब भी वे जाती हैं रेड के लिए। और ये कोशिश गजल को पकड़ने की सारी खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी उनके साथ, और इस तरह से इस थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट शायद दिखाया उन्होंने और डबल नी होल्ड किया प्रियंका ने। तो 23-13 10 पॉइंट की लीड भारत के पास। और जैसे ही गजल को वहां पर डबल नी होल्ड के सहारे पकड़ा था प्रियंका ने, पूरा स्टेडियम यहां पर गूंज गया था भारतीय खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए। लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए थे। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आज एक ऐतिहासिक मुकाबला, स्वर्ण पदक का मुकाबला, और टाइम आउट लिया है भारतीय कोच ने। नीलम, हम जानना चाहेंगे, दीपिका को आज फर्स्ट हाफ में कोई भी रेड के लिए नहीं भेजा गया और दूसरे हाफ में अब जाकर उन्हें पहली रेड करने का मौका दिया है। ममता पुजारी ने शायद आज उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि बीच का एक किसी भी अच्छे टीम का जो बीच का जो सेंटर है, जो कवर होते हैं, उनका स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी है। जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो शायद दीपिका का इस्तेमाल किया जाए। और इसका एक खास कारण ये भी है दामोदर जी कि पीछे का उसके नी में, लेफ्ट नी में इंजरी भी है, तो इतना ज़्यादा उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और ये नंबर 5 एक निश्चित तौर पर अंक लेकर आएंगी जफारी। सेमीफाइनल मैच में 9 पॉइंट बनाए थे और सभी रेड पर उन्होंने पॉइंट बनाए थे। और ये देखें आप, नंबर 4 पकड़ने की कोशिश, लेकिन कोर्ट से बाहर का सिग्नल अंपायर का, और ये वो पावर का यूज है। नीलम, क्या कहेंगे इस कैच पर? बिल्कुल बिल्कुल दामोदर जी, मैंने पहले ही कहा था कि जिस जैसे जैसे स्कोर थोड़ा सा कम रहेगा, कोई भी हल्का प्लेयर अगर भारतीय टीम का उनके खेमे में बॉक लाइन के जरा भी अगर अंदर गया तो कोई चूक नहीं करेगा ईरानी खिलाड़ी, और वो अपनी पावर का भरपूर यूज करेंगे। और दो बार, एक बार अभिलाषा और एक बार प्रियंका नेगी को पावर के जोर से उनको बाहर धक्का दे दिया गया, जिनका खामियाजा शायद भारतीय टीम को भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ पर दोनों हाथ पकड़ने की कोशिश थी ममता पुजारी के, लेकिन अपनी हाइट का फायदा उठाया, 2 पॉइंट लेकर आई ममता पुजारी। तो जो लीड हो गई थी 8 पॉइंट की, वापस 10 पॉइंट की लीड हो गई भारत की। भारत 25, ईरान 15, और आखिरी 5 मिनट का लगभग समय बाकी है इस फाइनल मुकाबले की समाप्ति में, और 10 पॉइंट से आगे है भारत, 25-16, 1 पॉइंट ईरान के लिए बोनस पर। अभिलाषा सेमीफाइनल मुकाबले में 10 पॉइंट उन्होंने टीम के लिए बनाए थे, 25-16 इस समय स्कोर है। और अब कप्तान सदीक बहुत ही शानदार प्रदर्शन, और अधिकांशतः खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं इस समय ईरान की टीम में जो एशियन गेम्स 2010 में खेले थे ईरान के लिए। ममता पुजारी लगातार अपनी दूसरी रेड के साथ, पिछली रेड पर 2 पॉइंट में लेकर आई थी। स्कोर है 25-16, 9 पॉइंट से आगे है भारत, आखिरी 4 मिनट का समय बाकी। और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा है, खेल की गति को थोड़ा सा धीमा किया जा रहा है भारतीय खिलाड़ियों द्वारा, क्योंकि वे जानते हैं समय कम बचा है, ताकि पूरा प्रेशर वे बना सकें। और ये टाइम आउट लिया है ईरान की टीम की कोच ने, और निश्चित ही वे चाहेंगे कि खेल की गति को थोड़ा सा धीमे। नीलम, इस टाइम आउट पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो इनकी कोच है, ये भी पीछे हाल ही में इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 100% ये टीम को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि मरना या मारना, डू एंड डाई गेम, जो रेडर जाए वो ट्राई कर आए और अपने स्कोर की कोशिश करे। 9 पॉइंट से आगे भारत, एक बार फिर से कप्तान रेड पर, 6 खिलाड़ी भारत के समय कोर्ट पर, और फुर्ती बहुत ज्यादा है और अपना बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा रखती हैं ईरान की खिलाड़ी।
और हमेशा से ही हलचल ओपोनेंट कोर्ट में, जफारी और स्लिप की कोशिश, लेकिन कोई पॉइंट नहीं। दीपिका क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के खिलाफ 8 कैच पर पॉइंट बनाए थे दीपिका ने भारत के लिए। एक्सपीरियंस प्लेयर और उन्होंने भी किसी तरह से कोई जोखिम उठाना उचित नहीं समझा। तो 25-16 बहुत देर से स्कोर, और जो कुछ करना है अब ईरान के प्लेयर्स को ही करना है, क्योंकि वे इस समय मुकाबले में 9 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। और अब एक कप्तान ईरान की, उसके पीछे काउंटर एक तरह से कह सकते हैं, ममता पुजारी कप्तान भारत की, वॉक लाइन को क्रॉस किया और एक बोनस मिला है ईरान को। तो ईरान 17 भारत 25, आखिरी 2 मिनट बाकी इस मुकाबले के। स्वर्ण पदक का मुकाबला, विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता महिला का पहला संस्करण, जिसकी समाप्ति में 2 मिनट का समय बचा है। भारत के पास 8 पॉइंट की लीड, कप्तान सदीक बहुत देर से रेड पर या किसी तरह से कोई अंक नहीं मिला है, केवल एक बोनस पर अंक हासिल किया है। और ये देखें आप, बिल्कुल साथ में चली गई, किसी तरह से कोई कवर नहीं था, अकेले ही पकड़ने चली गई थी सुवर्णा, और एक अंक और ईरान के लिए। मुकाबले में वापसी की कोशिश, स्कोरबोर्ड भारत 25 ईरान 18। अभिलाषा महात्रे आज बहुत अच्छा सेमीफाइनल उन्होंने खेला, आखिरी मिनट इस विश्व चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का, गजल। शायद ये आखिरी कोशिश होगी उनकी, बहुत ही जुझारू खिलाड़ी। सेमीफाइनल मैच में 12 पॉइंट, और ये देखें आप, दीपिका को उन्होंने आउट किया, एक अंक लेकर वे आए लौटी हैं। तो लगातार अंक आते हुए टीम के लिए, लेकिन समय कम बचा है। स्कोर है 25-19 भारत के पक्ष में, 6 पॉइंट से भारत आगे। ग्वांगझोउ एशियन गेम्स में निर्धारित समय पर मुकाबला दोनों के बीच बराबरी पर संपन्न हुआ था, एक्स्ट्रा टाइम में भारत ने 1 पॉइंट से जीत हासिल की थी, 23-22 स्कोर था। लेकिन यहां विश्व चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में 25-19 से भारत आगे, आखिरी समय चलता हुआ इस फाइनल मुकाबले का, स्वर्ण पदक का मुकाबला 25-19 भारत के पक्ष में। राइट फ्लैंक से कोशिश, और नंबर एक सदी के कप्तान, और ये अंतिम विसिल, और इस विसिल के साथ ये निर्धारित हुआ कि भारत ने ईरान को 19 के मुकाबले 25 अंकों से पराजित कर पहली महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। पटना का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और यह है टीम की कोच सुनील डबा, जिन्हें कंधों पर उठा लिया टीम की सभी खिलाड़ियों ने, सारे के सारे खिलाड़ी प्रसन्न। ईरान के खिलाफ जो पिछला मुकाबला था वो 2010 का एशियन गेम्स का सेमीफाइनल, जहां पर निर्धारित समय पर मुकाबला बराबरी पर छूटा था, लेकिन यहां पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में मध्यांतर तक भारत की टीम 19-11 से आगे थी। उसके बाद दूसरे हाफ में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन टीम ने किया, और अंततः 25-19 से 6 पॉइंट